गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक विंडोज एक्सेसरीज। अब एक्सेसरीज आपने नाम सुना होगा, है ना। एक्सेसरीज ये बहुत ही कॉमन सा है, काफ़ी सारी चीज़ें जब हम इकट्ठे रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बल्क में एक्सेसरीज जो कभी भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज हैज सम हैंडी एप्लीकेशंस रेडी टू बी यूज्ड बाय द यूजर्स। दीज एप्लीकेशंस आर कॉल्ड एज विंडोज एक्सेसरीज। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द विंडोज एक्सेसरीज आर कैलकुलेटर, नोटपैड, शिपिंग टूल्स, स्टिकी नोट्स, साउंड रिकॉर्डर एट्सेट्रा। नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन दीज एप्लीकेशंस। अब हम कैसे ये ओपन कर सकते हैं ये वाले एप्लीकेशंस, हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। सो द स्टेप्स आर लाइक, क्लिक द स्टार्ट बटन, सबसे पहला स्टेप ये रहा। देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स लिख के आएगा स्टार्ट बटन के बाद, उस पर क्लिक करना है सेकंड स्टेप, ठीक है। क्लिक ऑन एक्सेसरीज, ऑल प्रोग्राम्स में भी आपको एक्सेसरीज ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विल अपीयर, देन क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द प्रोग्राम यू वॉन्ट टू यूज़। उसमें से जो भी प्रोग्राम आपको यूज़ करना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, सो यू कैन यूज़ दैट। नाउ हियर इट इज़ गिवन दैट स्टेप थ्री, और ये प्रोग्राम्स जो दिए हैं यहाँ इस स्क्रीन पर दिए हुए हैं बच्चों। तो एक्सेसरीज में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे छोटे छोटे, जो आपको हैंडी होते हैं यूज़ करने के लिए, बहुत ही मतलब फटाफट आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो ऐसा। तो ऐसा ही एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर कैसा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेटर हेल्प्स यू डूइंग क्विक सम्स। काफ़ी लोग आपको कैलकुलेटर यूज़ कैसे करना है ये तो सबसे पहले आप सीखते हो प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर पे वर्क करना शुरू करते हो। सो कैलकुलेटर और पेंट, ये तो बेसिक चीज़ है जो आप यूज़ करना सीखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर कैसे हेल्प कर रहा है, जस्ट सी हियर यूजिंग कैलकुलेटर क्विक सम। अब ये कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, देखो स्टार्ट बटन में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज, इसमें ही कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। सो ये तीन स्टेप्स तो कॉमन रहेंगे हमेशा, एक्सेसरीज में जाने तक का पाथ सेम है। उसके बाद कैलकुलेटर, राइट। देर आर फोर टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर्स, चार अलग अलग तरीके के कैलकुलेटर्स हैं। देखो आप यहाँ पर सेटिंग्स, ये आपने कभी किया नहीं होगा शायद से, बट इफ़ यू नो देन वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो देन जस्ट लुक हियर, हियर स्क्रीन ऑफ द कैलकुलेटर यू कैन सी। There are four types of calculators, namely standard, scientific, programmer and statistic. ऐसे चार तरीके के calculators होते हैं, click on any one of that. Normally scientific use करो या तो standard use करो, देखो अलग अलग यहाँ पर आप select कर सकते हो, ठीक है। Okay, basic calculator भी होता है तो इसमें सारी basic functionalities होगी, और साइंटिफिक थोड़े इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर के लिए भी होता है वो लोग, फिर स्टैटिस्टिक्स का भी है, और भी डिजिटल और डिजिट्स रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। आपके काम का तो फिलहाल बेसिक या साइंटिफिक ही है और ज़्यादा उससे नहीं, ठीक है। बट यू कैन प्ले विद दैट, राइट, जैसे समझने के लिए आप एक बार उसे यूज़ करके देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज नोटपैड। नोटपैड तो काफ़ी बार आपने स्टार्टिंग से यूज़ किया होगा, आई होप सो। नोटपैड में क्या करते हैं हम लोग, टाइप करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। सो नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर दैट इज शिप्ड टू ऑल द वर्जन्स ऑफ विंडोज़। यू कैन सेव द टेक्स्ट टाइप्ड इन नोटपैड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइल लाइक टेक्स्ट, ओके। ये अलग अलग टाइप के फाइल्स को टाइप कर सकता है, HTML वाली फाइल भी आप इसमें टाइप कर सकते हो। अब ये शुरू कैसे करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज, देन नोटपैड। यू कैन ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन, देन टाइपिंग नोटपैड इन द सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स बॉक्स, प्रेस एंटर की, द नोटपैड विंडो विल ओपन। ओके, क्लियर। इस तरह से इसका स्क्रीन दिखता है नोटपैड का, यू माइट हैव यूज्ड दैट।
नाउ नेक्स्ट वन इज अ शिप स्नीपिंग टूल. स्नीपिंग टूल पता है क्या होता है? इट इज़ यूज टू कैप्चर होल और द पोर्शन ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन. आपके कंप्यूटर स्क्रीन का पूरा पोर्शन अगर आपको लेना है या तो पर्टिकुलर पोर्शन ही लेना है तो उतना स्नैप करने का काम ये स्नीपिंग टूल करता है. द स्क्रीन कैन बी सेव्ड एंड एडिटेड. ये स्क्रीन को हम सेव करके एडिट भी कर सकते हैं. तो इसे कैसे करना है? जस्ट यू नीड टू गो टू द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड देन इन दैट स्नीपिंग टूल. द माउस पॉइंटर विल टर्न टू प्लस साइन. प्लस साइन की तरफ टर्न होगा माउस पॉइंटर. ठीक है, तो प्लस साइन जब भी आ जाता है इस तरह से, सॉरी ये क्रॉस हो गया है, प्लस साइन कैसे आएगा बच्चों? प्लस साइन जस्ट लाइक दिस एंड दिस. तो ये प्लस साइन आ जाता है. क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द पॉइंटर अराउंड द एरिया यू वॉन्ट टू स्निप. अब आपको कितना स्निप करना है पोर्शन उतना क्लिक करके रखना है, ड्रैग करना है. तो माउस पॉइंटर पहले यहाँ पर था फिर बाद में यहाँ तक जाएगा. जितना भी आप बड़ा करोगे वो बड़ा भी होता जाएगा. ठीक है, इफ़ यू इंक्रीज दैट, अगर बड़ा सा पार्ट का लेना है तो जस्ट लाइक दैट. ओके, नाउ द मोमेंट यू रिलीज द माउस बटन स्नीपिंग टूल विंडो विल अपीयर विथ सिलेक्टेड क्लिप ऑफ द स्क्रीन. तो स्क्रीन का सिलेक्टेड पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा, उतना क्लिप होकर आ जाएगा. ठीक है, नाउ क्रॉप में कैसे करते हो? आप कैमरा में क्रॉप फंक्शन यूज करते हो ना, मोबाइल में कैसे करते हो, उसी तरह से ये स्निपिंग टूल का काम करता है ना. ओके, नाउ एडिंग स्टिकी नोट्स, नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन. स्टिकी नोट्स कैसे ऐड करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है. स्टिकी नोट्स में क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ टाइम टेबल है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो फटाफट कुछ, मेरा स्क्रीन जब ऑन हो कंप्यूटर तो आज जो इम्पॉर्टेंट काम मुझे करने हैं उसका एक नोट्स मुझे लिख के रखना है कि भाई मेरा टास्क ये परफॉर्म करने का है आज के लिए, ये डिसाइडेड है. सो आप वहाँ पर नोट्स लिख के रख सकते हो. ठीक है, छोटे से नोट्स पे आप टाइम टेबल किसी के लिए नोट बना के रखते हो तो ये खुद के लिए ही रिमाइंडर तरीके से, हम लोग आज ये काम प्रायोरिटी पे करना है, उसके लिए रिमाइंडर होता है. सो ओके, कम टू द पॉइंट. स्टिकी नोट्स हेल्प यू टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स. इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप ओनली. इट इज़ जनरली यूज टू रिमाइंड अस अबाउट द इवेंट और इंस्ट्रक्शंस. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन एसेसरीज, देन क्लिक ऑन स्टिकी नोट्स. ये सभी पार्ट्स एसेसरीज तक का तो सेम ही है बच्चों, इसके आगे ही हमें ये स्टिकी नोट्स करना होता है. ठीक है, अ येल्लो लेबल अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप. क्लिक ऑन इट एंड स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स हियर. आप इसका यूज कर सकते हो. नाउ यूजिंग मैथ इनपुट पैनल, ये अलग है, मैथ इनपुट पैनल भी होता है. इट यूजेस द मैथ रिकोगनाइजर टू रिकोगनाइज हैंड रिटन मैथ. यहाँ पे क्या होता है, हैंड रिटन मैथ रिकोगनाइज कर लेता है ये, आप जो भी हाथ से लिख रहे हो. ठीक है, अगर सपोज इक्वेशन लिख दिया है आपने कुछ इस तरह से तो ये रिकोगनाइज करेगा. यू कैन इंसर्ट दिज इक्वेशंस इनटू वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल प्रोग्राम. ये हम वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम के अंदर दे सकते, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड प्रोसेसिंग में ये हैंड रिटन इनपुट लेता है. सो यहाँ पर क्या होता है, क्लिक ऑन द मैथ इनपुट पैनल अंडर एक्सेसरीज. ये भी एक्सेसरीज के अंदर ही होता है. राइट द इक्वेशन यूजिंग माउस और लाइट पेन. एक लाइट पेन आता है बच्चों, तो ये लाइट पेन से हम इक्वेशन लिख सकते हैं या तो माउस से सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, इक्वेशन प्रीव्यू विल बी शोन. अभी ये इक्वेशन का प्रीव्यू हमें इस तरह से दिखेगा, जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो. क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, उसके बाद आपको इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है. ठीक है, फाइंड द सेम इक्वेशन इंसर्टेड टू योर डॉक्यूमेंट. एक इक्वेशन जो कि इंसर्ट हो गया है डॉक्यूमेंट के अंदर वो आपको दिखाई देगा. ठीक है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, फिर प्रीव्यू करना है. ठीक है, टूल्स टू राइट इक्वेशन एंड इक्वेशन विल बी इंसर्टेड टू योर डॉक्यूमेंट. ओके, क्लियर. नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा बाइट. डिड यू नो इफ़ यू हैव टच सेंसिटिव मॉनिटर यू कैन यूज विंडोज 7 यूजिंग यूअर
फिंगर्स। अगर आपका मॉनिटर टच सेंसिटिव है तो आप फिंगर से विंडोज 7 की फीचर्स यूज कर सकते हो। यूजिंग यूअर देन विद द हेल्प ऑफ यूअर फिंगर यू कैन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फाइंडर्स नहीं होगा, फिंगर्स होगा, दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक। विद द हेल्प ऑफ यूअर फिंगर यू कैन ओपन द फाइल एंड फोल्डर, यू कैन ब्राउज थ्रू द प्रोग्राम्स, फ्लिप थ्रू फोटो एल्बम्स, यू कैन इवन यूज यूअर फिंगर्स टू पेंट ऑन MS Paint। अगर आपका ये टच सेंसिटिव है तो आप डायरेक्टली फिंगर से यूज कर सकते हो। विंडोज 7 में ये फीचर्स अवेलेबल है। ओके, नाउ विंडोज 7 हैज अ टूल कॉल्ड अ प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। दिस टूल इज यूज टू रिकॉर्ड वॉट एवर यू डू ऑन योर कंप्यूटर। हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन रिकॉर्ड एंड सेव द फाइल ऑफ सम एक्सपर्ट प्रोफेशनल टू सी एंड हेल्प यू। इट कैन बी ईमेल्ड, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड टाइप PSR इन द सर्च बॉक्स। तो ये आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर करके एक फीचर है, एक टूल अवेलेबल है। तो इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये विंडोज 7 के फीचर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, फाइल को सेव भी कर सकते हो। ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो आप ईमेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके डन। नाउ आगे का पार्ट प्रोजेक्टर वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।